इस धरती पर जो सबसे होशियार जानवर है, शायद उसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो खुद इंसान ही है। इंसान ने अपने बुद्धि के बल पर इस धरती के नियमों को अच्छी तरह से समझ के अपना दबदबा बना लिया। लेकिन कभी कभी जानवर भी अपनी हरकतों से दिखा देते हैं कि हम भी किसी से कम नहीं। चाहे वो प्यार के मामले में हो, होशियारी के मामले में हो, या किसी और के बारे में, वो इंसानों की कॉपी करते नजर आते हैं। तो आज हम जानने वाले हैं उन जानवरों के बारे में जिन्होंने इंसानों जैसी भूमिका निभाई। लेट्स बिगिन। प्यार एक ऐसी भावना है जो हर किसी जानवर में मौजूद होती है। जैसे इंसान एक दूसरे से प्यार करते हैं, वैसे ये जानवर भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसकी एक छोटी सी मिसाल आप देख लीजिए। ये इंसान जब केकड़े को छेड़ने की कोशिश कर रहा था, उसे रेत से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, तो उस केकड़े के साथी को ये खतरे की घंटी लगती है और ये अपने साथी को बचाने के लिए उसे जाकर कस के पकड़ लेता है ताकि उसकी जान बच सके। इन दोनों का ये प्यार देख के बेहद ही सुकून मिलता है आंखों को। आपने इंटरनेट पे छोटे बच्चों के ऐसे वीडियोस देखे होंगे जो अपने बड़े भाई या बहन का स्कूल से लौटने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। स्कूल बस से उतरते अपने भाई या बहन को देख वो उन्हें गले जा मिलते हैं। कुत्ते के ऐसे ही कई वीडियोस भी आप इंटरनेट पर देख सकते हैं। लेकिन क्या कोई मुर्गा कभी ऐसा कर सकता है? मैं भी यकीन नहीं करता। अगर ये वीडियो मैंने देखा न होता तो बस से लौटते अपने ओनर की तरफ तेजी से ये चला जाता है और उस लड़की को गले लगा लेता है। इस मुर्गे में इतनी आत्मीयता और प्यार कहां से आई पता नहीं, पर ये बेमिसाल लगता है। भाग दौड़ भरी जिंदगी से इंसान थक जाता है और थोड़ा आलसी बन जाता है। आप में से कई लोग होंगे जो कई बार नहाने से भी तौबा करते होंगे, सही ना? लेकिन अगर मैं कहूं कि एक चूहा ऐसा भी है साबुन लगाकर शरीर को अच्छे से रगड़ कर नहा लेता है, तब शायद ही आप यकीन करेंगे। लेकिन जरा ये देखिए जनाब, ये चूहा कितनी शिद्दत से खुद को साबुन लगाकर रगड़ कर नहा रहा है। इसे देख ऐसा लगता है कि जानवरों को इंसानों से नहीं बल्कि इंसानों को जानवरों से काफी बातें सीखनी होंगी। ये नजारा रोज रोज नहीं दिखाई देता मेरे दोस्त। दोस्तों, हर कोई इंसान जब जॉब से थका हारा घर लौटता है तो सबसे पहले वो फ्रेश होके टीवी ऑन करके आराम से सोफा या कुर्सी पर बैठता है। इससे जो सुकून मिलता है ना, वो काफी कमाल का होता है। अब जरा इस बिल्ली को देखिए, ना ये जॉब पे जाता है ना इसको कोई टेंशन है, फिर भी ये इसके लिए बनाए खास कुर्सी पे बैठ के इसके लिए रखी गई छोटी सी टीवी पर ये फिल्म देख रहा है। इसका ये छोटा सा घर भी गजब का लगता है। कोई आराम करता इंसान भी इसके आगे फीका नजर आ जाता है। म्यूजिक इंसान को मिला ऐसा वरदान है जिसके जरिए हम अपने सारे गम भुला सकते हैं और खो जाते हैं एक ऐसी दुनिया में जहाँ हम हमेशा के लिए रहना चाहते हैं। म्यूजिक सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि जानवरों को भी मंत्रमुग्ध कर देता है। ये देखिए, ये चरती हुई गायें कैसे बजती हुई धुन सुनकर सब कुछ भूलकर उसी में खो जाती हैं और बस ये धुन सुनती ही रहती हैं। ये जो लोग आप देख रहे हैं, ये इन गायों के लिए ही धुन बजा रहे हैं और ये गायें इनके इस धुन को सुन के वही रुक गई। महिलाओं का सबसे नापसंदीदा काम मेरे हिसाब से बर्तन मांजना होता है और पुरुषों का भी। खैर, इसके बारे में हम शादीशुदा पुरुष ज्यादा कुछ बात नहीं करना चाहते, लेकिन अगर बर्तन मांजने के लिए कोई बंदर आपका साथ दे तो क्या कह रहे। जरा ये देखिए दोस्तों, ये बंदर बेसिन पे कैसे बर्तन मांज रहा है, साबुन लगा के बर्तनों को रगड़ के कैसे इन्हें नए जैसे चमकाने की कोशिश कर रहा है। मुझे तो लगता है कि ये कोई मेल बंदर ही होगा जो जहां बर्तन दिखे वही मांजना है, अपनी इस आदत से मजबूर ही होगा, वरना इतनी खुशी खुशी कौन बर्तन मांजता है। अब हर किसी को अपना घर साफ चाहिए, लेकिन सफाई करना कोई नहीं चाहता। फिर भी लोग अपना घर थोड़ा बहुत तो साफ कर ही लेते हैं, लेकिन जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो रास्ते पर गंदगी दिखने पर भी कोई उसे साफ नहीं करना चाहता। मगर जरा इस कौवे को देखिए, लोगों ने कचरा पेटी के बाहर फेंकी चीजें देख इस कौवे को रहा नहीं गया और ये कौवा एक एक करके चीजें कचरा पेटी में फेंकने लगा। इंसान होकर जो चीज हमें समझ में नहीं आती वो इस छोटे से पंछी को समझ में आती है। ये जान के कभी कभी बेहद दुख होता है। इंसान अपने आप को फिट रखने के लिए जिम जाता है, कसरत करता है, योगा करता है और भी कई सारे काम करता है, क्योंकि फिट रहने में उसका सबसे ज्यादा फायदा होता है। वेट लूज करने का एक तरीका है सिटअप्स मारना। इससे आपके पेट की चर्बी तेजी से कम होती है। लेकिन कभी आपने कभी वॉलरस को सिटअप मारते नहीं देखा होगा। ये देखिए, पानी में पाया जाने वाला ये जानवर कितने शिद्दत से सिटअप्स मार रहा है। काफी मेहनत के बाद ही वॉलरस इस तरह के कारनामे करना सीख जाते हैं। दोस्तों, जब आप छोटे थे तब आपको हर कोई कहता होगा कि कपड़े अच्छे पहनने चाहिए, नाखून समय पे काटने चाहिए,
अपने बाल समय पे काटने चाहिए। ऐसी कई बातें सुनी होगी आपने और ये सही भी है, लेकिन ऐसा जानवरों में तो नहीं होता होगा। जानवरों को थोड़े ही पता है कि अच्छे रहने से क्या होता है, लेकिन जरा इस बंदर को देखिए, कैसे ये भला अपने चेहरे पर उगे बालों को ट्रिम करा रहा है। ऐसा नजारा तो लाखों में एक होता है दोस्त, क्योंकि बंदर किसी भी इलेक्ट्रिक चीज की आवाज सुन के दूर भाग जाते हैं, लेकिन लगता है इसे तो इस ट्रिमर की आदत सी पड़ गई है। शॉपिंग करना हर स्त्री का पसंदीदा काम होता है, लेकिन क्या ये किसी पंछी का भी पसंदीदा काम हो सकता है? बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन इस तोते की ओर देखने के बाद ऐसा लगता है कि सच में इसे शॉपिंग पसंद होगी। इसके लिए छोटा सा शॉपिंग मॉल बनाया गया, शॉपिंग कार्ट बनाया गया और कुछ प्रोडक्ट्स भी। भाई एक तोते की इतनी मिजाजी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी, लेकिन ये तोता शॉपिंग करने में इतना माहिर बन चुका है कि इसे बताना नहीं पड़ता भाई लेना क्या है। दोस्तों काफी लोगों को सफर में कार की अगली सीट पर बैठ उड़ती तेज हवा को चेहरे पर झेलने में अलग ही मजा आता है। कभी कभी तो ये इस तेज हवा की वजह से सो भी जाते हैं। खैर, लेकिन क्या कभी कुत्ते को आराम से अगली सीट पर वो भी इंसानों की तरह बैठे आपने देखा है क्या? ये देखिए दोस्तों, ये कुत्ता ट्रैफिक सिग्नल पे रुकी कार में कुछ इस तरह बैठा था जैसे कि वो किसी गहरे गम में डूबा हो। उसे इस दुनिया से कुछ भी लेना देना नहीं था, बस वो सोच रहा था। जब उसे देख कुछ लोग उसे पुकारने लगे तो उनकी ओर देखने की दिक्कत भी इसने नहीं उठाई। सच में ये गजब का नजारा था। पिज्जा डिलीवरी बॉय ये काफी मेहनती होते हैं। ऑर्डर मिलने के बाद 30 मिनट के अंदर उन्हें दिए पते पर पिज्जा पहुंचाना पड़ता है, लेकिन क्या हो अगर ये पिज्जा किसी जानवर ने ऑर्डर किया हो? आप यकीन नहीं करेंगे, जब एक पिज्जा डिलीवरी बॉय पिज्जा देने एक घर की बैल बजाता है तो उस घर का दरवाजा खोलता है एक बंदर। जी हाँ, एक बंदर। ये बंदर उस डिलीवरी बॉय से पिज्जा लेता है और उस पिज्जा के पैसे भी देता है। डिलीवरी बॉय को जैसे ही पैसे मिलते हैं वो तेजी से वहाँ से डर के मारे भाग जाता है, क्योंकि उसे इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं होता कि पिज्जा रिसीव करने कोई बंदर आने वाला है। दोस्तों आपको पता है कि अगर शेर का शिकार करना हो तो शेर को बकरे का लालच देना पड़ता है। बकरे की आवाज सुनते हुए वो चला आता है और शिकारी की जाल में फंस जाता है। लेकिन क्या कोई पंछी कभी इस तरह का जाल किसी मछली पकड़ने के लिए बिछा सकता है क्या? बिल्कुल बिछा सकता है। जरा इस पंछी पर गौर करिए। ये पंछी मछली को पकड़ने के लिए खाने का एक दाना पानी के ऊपर फेंक देता है और राह देखता है कि कोई मछली उसे खाने आए, फिर उस मछली को वो पकड़ के खा जाए। और होता भी कुछ ऐसा ही है। सच में पंछी काफी होशियार ही कहा जाना चाहिए। दोस्तों आमतौर पर कई लोग, जिसमें ज्यादातर जवान लोग ही शामिल होंगे, इन्हें आदत होती है कि ये अपने घर में या अपने बेडरूम में हमेशा गंदगी फैलाए रखते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्हें गंदगी पसंद होती है, बस वो रूम साफ करने की तकलीफ नहीं उठाना चाहते। ऐसे लोगों को जरा इस चिंपैंजी से सीखना चाहिए। जू में रह रहे चिंपैंजी ने काफी कुछ इंसानों से सीख लिया और अब ये अपने रूम खुद झाड़ू लगा के साफ करता है। आपके घर में अगर कोई झाड़ू लगाना नहीं जानता तो शायद आप इनके ये वीडियो दिखा के सिखा सकते हैं। सही बात है ना? दोस्तों जब अपने छोटे बच्चे के साथ कोई भी खेलने के लिए साथी नहीं मिलता तो वो अपने माता पिता के साथ खेलने की जिद करने लगता है, लेकिन जानवरों में शायद ऐसा नहीं होता होगा। बिल्कुल ऐसा ही होता है जानवरों में भी। ये बकरी माँ अपने बच्चे को चक्रडोले पे बिठा के उसे घुमा रही है। बच्चे को भी माँ के साथ खेलने में काफी मजा आ रहा था, जैसे उसने पहले कभी ये खेल ना खेला हो। इससे एक बात साफ पता चलती है कि जितना हम बकरी को बुद्धू समझते हैं उतना बुद्धू वो होती नहीं। अब दोस्तों पार्क्स में या वाटर पार्क्स में मौजूद स्लाइड्स करना हर किसी को पसंद आता है, खास करके बच्चों को, लेकिन अब जमाना बदल गया है, लगता जानवरों के लिए भी स्लाइड्स बनानी पड़ेगी। ऐसे में क्यों कह रहा हूँ ये आपको पता चल ही जाएगा। जरा इस पंछी को देखिए। इसे देखने के बाद शायद आपको लगेगा कि इस पंछी को पता नहीं है कि बर्फ पे लैंड करने से फिसल सकते हैं, लेकिन इसे ये बिल्कुल पता है और ये इसी चीज का मजा उठा रहा है। जी हाँ, ये इस जगह स्लाइड करके मजे ले रहा है और ऐसा ही बार बार कर रहा है। इससे एक बात तो साफ होती है कि जानवरों को भी मनोरंजन की जरूरत होती है। अगर आपके पास कोई पालतू जानवर है तो आपने उसके साथ कभी न कभी गेंद से खेला ही होगा। जब आप गेंद दूर फेंकते हैं तो आपका कुत्ता या बिल्ली उसे फिर से लाकर आपको दे देते हैं। एक बार हुआ ये कि 2019 में कुछ नाविक जो कि रिसर्च नौका से जा रहे थे, उन्होंने अपने साथ एक गेंद ले ली और इस गेंद का इस्तेमाल उन्होंने बेलूगा व्हेल के साथ खेलने के लिए किया। ये लोग ये गेंद पानी में दूर फेंक देते और ये व्हेल तेजी से जाकर उस गेंद को ले आती। कितना कमाल का लगता होगा किसी को जब एक मछली आपके साथ खेलना चाहती है। भाई कहते हैं कि इंसान की सात तो बिल्ली की 9 जिंदगियां होती हैं। अलग होती है कि बिल्ली आलसी जानवर है, लेकिन अगर किसी की जान बचानी हो तो ये 9 में से एक जिंदगी तो कुर्बान कर देगी। इतनी ही अपने मालिक के प्रति वफादार होती है। रियान पार्किंग्स ये व्यक्ति अपने घर में सो रहे थे तभी उनकी बिल्ली उनके सिरहाने पे आके
जोर जोर से चिल्लाने लगती है। बिल्ली की जोर जोर से म्याओ म्याओ कर रही थी। उसकी आवाज सुन के रियान जग गए तो उन्होंने देखा कि उनके घर में आग लग चुकी है। चारों ओर धुआं ही धुआं है। घर में मौजूद काफी सारी चीजें जल चुकी है। शुक्र था कि रियान को बिल्ली ने समय रहते जगा दिया, वरना वो भी इसमें जल जाते।